हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग एट योर होम। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट एंड लैंड लोकेशन ऑफ ज़ायरे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेशन ऑफ ज़ायरे। ओके, इन द हॉट एंड वेट क्लाइमेट ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो वेरी इजिली एंड क्विकली। ड्यू टू द हॉट एंड वेट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट की वजह से, गर्म और ठंडे क्लाइमेट की वजह से ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं बहुत ईजिली ग्रो कर लेते हैं। सनलाइट रेन वाटर हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो फास्टर। जो सनलाइट है वो रेन वाटर, सनलाइट एंड रेन वाटर, जो सूरज की रोशनी और पानी की वजह से प्लांट्स बहुत जो अच्छे से ग्रो कर लेते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन देयर आर एक्सटेंसिव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। एक्सटेंसिव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब सदाबहार पेड़ हैं वहाँ पे, फॉरेस्ट है। द इक्वेटोरियल रन्स थ्रू आउट नॉर्दर्न ज़ायरे। द इक्वेटर रन्स थ्रू नॉर्दर्न ज़ायरे। जो इक्वेटर है वो नॉर्दर्न ज़ायरे के ऊपर से गया है। एंड द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, नॉर्दर्न ज़ायरे इज कवर्ड विद वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नियर द इक्वेटर। नॉर्दर्न ज़ायरे है वो पूरा कवर्ड है थिक फॉरेस्ट की वजह से, बिकॉज क्योंकि वो इक्वेटर के पास का एरिया है। द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल एंड फॉर्म कैनोपी, कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट्स फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। नेक्स्ट इज ज़ायरे इज समटाइम्स कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। ड्यू टू दिस द ज़ायरे इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ। ओके, इन द देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल इन ज़ायरे। बहुत सारे वराइटीज़ हैं ज़ायरे के। वेरियस काइंड्स ऑफ मंकी सच एस गोरिल्ला, चिंपैंजीज एंड बबून्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। दीज आर द एनिमल्स विच आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। दे आर एबल टू क्लाइम एंड जस्ट ईजिली फ्रॉम ट्री टू ट्री। सो दिस एनिमल्स क्लाइम फ्रॉम ट्री टू ट्री। ये सारे एनिमल्स हैं जो कि गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून, ये सारे फॉरेस्ट में रहते हैं और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन द जंगल्स। इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं। राइनासोरस, एलिफेंट एंड हिप्पोपोटामस लिव इन ए स्वैम्पी लैंड। और ये सारे एनिमल्स स्वैम्पी लैंड्स में रहते हैं। ओके, अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर देन इंडियन एलिफेंट्स। जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो इंडियन एलिफेंट की अपेक्षा बड़ा होता है। द ओकापी एंड रेयर काइंड ऑफ जिराफ एंड कॉन्गो पीकॉक आर फाउंड ओनली इन ज़ायरे। दीज आर द पीकॉक्स विच इज़ फाउंड इन ओनली इन ज़ायरे। वी फाउंड ए लार्ज वराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ हीयर। तो यहाँ पर ढेर सारे वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, जंगली जानवर पाए जाते हैं। द रिवर एंड लेक इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। मतलब जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पर ढेर सारे क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स हैं। एंड वैराइटीज ऑफ स्नेक एंड पाइथन्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रीजन। सो दीज आर द एनिमल्स विच इज़ फाउंड इन दिस रीजन। एंड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कॉन्गो पीकॉक विच इज़ नॉट क्लियर, बट यू कैन सी फ्रॉम योर बुक। इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 29। यू कैन जस्ट वॉच इट फ्रॉम देयर। एंड फ्यू एनिमल्स लाइक गोरिल्ला एंड ओकापी एंड राइनासोरस इज ऑल्सो गिवन। ओके, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्यूपेशन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वॉच द वीडियो केयरफुली।